तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा कलेक्टिविटी। आप कैसे एक्सेल में डेटा इंपोर्ट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट डेटा फाइल से। तो लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी एक्सेल टू एक्सेल के बारे में, और हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें उस पर हम बात करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्म टेक्स्ट एंड सीएसवी। अगर आपके नोटपैड में फाइल पड़ी हो तो कैसे एक्सेल पे आप इंपोर्ट करोगे? इंपोर्ट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप बाकी करते हो वैसे इसको भी करना होता है। बट इस नोटपैड में क्या होता है, बस बताना होता है कि आपका सेपरेटर कौन कौन से। तो एक फाइल में सिलेक्ट करता हूं नोटपैड, जैसे इसको हमने ले लिया एंड इंपोर्ट। आप बोलोगे सर नोटपैड में डेटा क्यों आता है? तो जो बहुत बड़े बड़े लार्ज डेटा होते हैं उसको नोटपैड में डालने से क्या होता है, उसकी साइज कम जाती है। अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर 5 लाख रो का डेटा है उसको एक्सेल में डालेंगे तो उसकी साइज, और नोटपैड में डालेंगे तो उसको साइज में डिफरेंट होता है। और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो कि डेटा को नोटपैड में ही डाउनलोड करते हैं। ओके आपको सर ये यहाँ पे आपको बताना होता है कि आपका सेपरेटर कौन सा है कॉलम टू कॉलम। तो ये डिफॉल्ट इसने टैब ले लिया हुआ है, ऐसे वो रीड करके ले लेता है, लेकिन अगर कभी नहीं लिया तो आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ओके अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे लोड। तो मैं क्या बताया था ट्रांसफॉर्म में, अगर इसमें कोई चेंजिंग करना है किसी तरह का देन हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, तब पावर क्वेरी पे आ जाएगा। अगर मुझे डायरेक्ट लोड कर देना है तो लोड यहाँ कर सकते हैं, या पिवट के तौर पे लोड करना है तो यहाँ लोड टू करना पड़ेगा। ओके तो लोड टू करेंगे तो क्या होगा, ये आपसे पूछेगा क्या करना है, सिर्फ कनेक्शन बनानी है, पिवट टेबल करना है, पिवट चार्ट करना है, या टेबल फॉर्मेट पे करना है। ओके यहां आपके पास ये काफी बड़ा डेटा है, 6,16,873 रो लोड हो रहा है, तो लंबा डेटा है। ओके इसी में आपका अगर हम डेटा में देखें तो फ्रॉम सीएसबी भी था, तो सीएसबी और टेस्ट में कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है, तो वो चीजें और ये दोनों एक ही होता है। फ्रॉम एक्सएमएल, एक्सएमएल डेटा लोड कर सकते हो, फ्रॉम जेसन जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है, जेसन फाइल होती है उसको लोड कर सकते हो, बट क्या है कि ये दोनों है नहीं। पीडीएफ, हम फाइल को पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। तो पीडीएफ मतलब कि अब बात यहां पर आती है क्या पीडीएफ के डेटा भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चैलेंज थी हमारे कि पीडीएफ में जो डेटा है उस डेटा को एक्सेल पे लाना बहुत चैलेंजफुल था। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो एक्सेल 365 में जो पावर क्वेरी आया है उसमें ऐसा पॉसिबल है। तो आपको हम चलिए एक पहले हम एक पीडीएफ में डेटा, देखिए ध्यान रखिएगा पीडीएफ अगर स्कैन किया हुआ है तो नहीं आएगा, समझ रहे ना। पीडीएफ में दो पार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिएगा डेटा का आपने प्रिंट आउट निकाल लिया और उस प्रिंट आउट को आपने क्या कर दिया, स्कैन करके पीडीएफ बना दिया, तो इमेज की तरह हो जाता है, तो उसकी डेटा कोई भी सॉफ्टवेयर भूल आएगा। लेकिन बहुत सारे फाइल है जिसमें सेव एज पीडीएफ किया जाता है, वर्ड की, एक्सेल की, बाकी बहुत सारे फाइल फॉर्मेट को सेव एज में या कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको किया जा सकता है।